राजद नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई ने अपराधियों की भी चांदी करा दी है। लंबे अरसे से फरार चल रहे अपराधी अब साहिब के साथ खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। पत्रकार राजदेव हत्याकांड समेत कई दूसरे मामलों में फरार संदिग्ध मोहम्मद कैफ को खुलेआम शहाबुद्दीन के साथ घूमते कैमरे में कैद किया गया। टीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर शनिवार की है, जिस दिन शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई हुई थी। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का नाम पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आया था। सिवान टाउन थाना में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें भी वो फरार है। फरार संदिग्ध कैफ उर्फ बंटी को शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद सिवान में उनके साथ घूमते देखा गया। जानकारी के मुताबिक जिस दिन भागलपुर की जेल से शहाबुद्दीन की रिहाई हुई थी, उसी दिन शहाबुद्दीन के साथ पत्रकार राजदेव की हत्या का आरोपी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी भी भागलपुर जेल के बाहर शहाबुद्दीन के साथ दिखा था। सिवान पुलिस ने कहा कि वो आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के दो फरार संदिग्धों के सिलसिले में पूछताछ करेगी। हत्या मामले में जो दो तीन दोषी थे वो शहाबुद्दीन के साथ भागलपुर जेल से लेकर के सिवान तक देखे गए हैं, तो पुलिस उनको पकड़ ले रही है। जो दोषी थे उनके ऊपर पहले से ही इस केस में भी अन्य केस में भी वारंट कुर्की अन्य सभी कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय में पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी आवश्यक है वो की जा रही है। इस अभी कुछ नई फोटोग्राफ्स जो मिली है इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ कब कैसे जुड़े हुए थे, और जल्द ही इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा ये लोग कहाँ थे इस वक्त और क्या कर रहे थे। बता दें कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में मोहम्मद शहाबुद्दीन का हाथ होने का शक जताया गया था। राजदेव रंजन की पत्नी और उनके परिवार ने संबंध में दावा किया था। गौरतलब है कि 13 मई को बिहार के सिवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।